अब हम देखते हैं आगे, तो हमें यहाँ पर क्या टाइटल दिया गया है, टॉप बॉटम। टॉप यानी कि ऊपर, बॉटम यानी कि तल पर, टॉप यानी कि सबसे ऊपर और बॉटम यानी कि सबसे नीचे। यहाँ पर हमें एक प्ले स्लाइडिंग दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये जो वाला बच्चा है, ये बच्चा सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है और ये वाला जो बच्चा है वो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। जो सबसे ऊपर वाला बच्चा है वो है टॉप पर और जो सबसे नीचे है बच्चा वो है बॉटम पर। क्या है? वो है बॉटम पर। तो ये हुआ क्या टॉप और क्या बॉटम। टॉप यानी कि जो सबसे ऊपर हो वो, और बॉटम यानी कि जो सबसे नीचे हो वो। यहाँ पर हमें साइड में एक दूसरा पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो ट्री है उस पर एक बर्ड है, बर्ड है वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। बर्ड वो ट्री पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कहाँ पर है? टॉप पर है। और यहाँ पर हमें एक कैट दिखाई दे रही है, जो कैट है वो ट्री के नीचे है, यानी कि वो बॉटम पर है, यानी कि वो सबसे नीचे है। ट्री पर सबसे ऊपर क्या है? बर्ड है एक, और जो नीचे है वो है बॉटम पर, जो कैट है वो है बॉटम पर है। तो क्या टॉप और क्या बॉटम, वो पता चला टॉप यानी कि सबसे ऊपर हो वो, और बॉटम यानी कि जो सबसे नीचे हो वो। टिक राइट द पॉट ऑन द टॉप, यानी कि यहाँ पर हमें पॉट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 and 3, यानी कि ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर क्या कहा गया है हमें, जो पॉट टॉप पर हो उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। तो यहाँ पर ये जो सारे पॉट है 1, 2 and 3, तो सबसे टॉप पर क्या है, ये जो छोटा वाला पॉट है वो सबसे टॉप पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट मार्क करना होगा। बाद में है टिक राइट द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। ये सीढ़ी में जो सबसे बॉटम में हो, बॉटम में यानी कि जो नीचे हो, सबसे नीचे हो, उस पर हमें राइट मार्क करना होगा, यानी कि ये वाला जो है वो बॉटम में है, तो हमें इस पर क्या करना होगा, राइट मार्क करना होगा। और ये यहाँ पर है टॉप पर है, ये है टॉप पर, टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर है। और अब हम देखते हैं हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज, टॉप ऑन अबो बॉटम अंडर बिलो। टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर, टॉप यानी ऊपर, ऑन यानी कि के ऊपर, यानी कि कोई सतह हो उसके ऊपर हो वो, अबोव यानी कि ऊपर, यानी कि टॉप ऑन अबो सारे का मतलब होता है ऊपर, बॉटम यानी कि तल पर यानी कि नीचे, अंडर वो भी है नीचे, अंडर है के नीचे, बिलो भी होता है नीचे, यानी कि बॉटम अंडर बिलो वो सारे का मतलब क्या है, नीचे। टॉप ऑन अबो सारे का मतलब है ऊपर, बॉटम अंडर बिलो वो सारे होते हैं नीचे। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उन पिक्चर्स को हमें देखना है और क्या टॉप पर है और क्या बॉटम में है वो हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर टॉप ऑन अबो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो पिक्चर है उसमें जो भी ऊपर हो, यानी कि टॉप पर हो, ऑन पर हो या फिर अबो हो, उस पर हमें क्या करना होगा, राइट करना होगा एंड क्रॉस फॉर बॉटम अंडर बिलो, यानी कि जो नीचे हो उसके साइड में जो बॉक्स दिया गया हो उसमें हमें क्रॉस करना होगा। तो हमने आगे देखा वैसा ही, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर तीन बच्चे हैं, ये बच्चा है स्लाइडिंग पर सबसे ऊपर है, यानी कि ये है टॉप पर, टॉप पर हो तो उसके ऊपर जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें राइट करना है, और ये वाला जो बच्चा है वो सबसे नीचे है, यानी कि कहाँ पर है, बॉटम पर है, बॉटम पर है, इसका मतलब यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें हमें क्रॉस मार्क करना
होगा। यहाँ पर हमें स्टेप्स यानी कि यहाँ पर स्टेयर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो बॉल है वो सबसे ऊपर है और ये जो टेडी बियर है वो सबसे नीचे है। बॉल सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर है तो क्या आएगा, राइट मार्क आएगा, और ये जो टेडी बियर है वो सबसे नीचे है यानी कि बॉटम पर है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मार्क आएगा। बाद में है यहाँ पर एक ट्री दिखाई दे रहा है और हमें कुछ बर्ड्स और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बर्ड है, एक स्क्विरल है और एक कैट है। तो ये जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या है, ट्री के ऊपर है तो यानी कि जो सबसे ऊपर हो उसको कहते हैं टॉप पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, राइट मार्क करना होगा। और यहाँ पर स्क्विरल और कैट दोनों में से ये जो कैट है वो हमें सबसे नीचे दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मार्क आएगा। यहाँ पर क्या है, एक वॉल है, एक वॉच है। वॉच पर क्या है, एक रैबिट है, वो वॉच के ऊपर है और कैट है वॉच के नीचे है। तो ये जो माउस है, जो अंदर है माउस है, वो है ऑन द वॉच तो क्या आएगा, यानी कि टॉप पर है तो राइट आएगा। और ये जो कैट है वो बॉटम पर है तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, क्रॉस मार्क आएगा। वैसे ही हमें जितने भी दिए गए हैं वो सारे हमें अपने आप ही करने होंगे। यहाँ पर पॉट का एग्जांपल पिक्चर है, यहाँ पर बुक्स का पिक्चर है, यहाँ पर पपी यानी कि डॉग एंड कैट का पिक्चर है। ये सारे पिक्चर में कौन टॉप पर है, कौन बॉटम पर है, यानी कि कौन टॉप कौन अबो पर है और कौन बॉटम अंडर बिलो पर है वो हमें देखना होगा। और जो टॉप कौन अबो पर हो उस पर राइट मार्क और जो बॉटम अंडर बिलो पर हो उस पर हमें क्रॉस मार्क करना होगा। अब क्या है एक्टिविटी, टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑन अबो अंडर बिलो बाई रीडिंग अलोड द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है। हम यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर है ये वाली। यहाँ पर जो फादर है वो फैन को क्लीन कर रहे हैं। दो बच्चे हैं, उनमें से एक बुक्स पढ़ रहा है, बुक्स देख रहा है। बहुत सारे खिलौने हैं। यहाँ पर एक फूल दस्ता है यानी कि फ्लावर पॉट है, वो टेबल के ऊपर रखा गया है। एक जो वो माउस है वो टेबल के नीचे है। कैट है या ये फैन है, ये टेबल है, ये बच्चे हैं, किताबें हैं, वो सब हमें देखना है। और नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं और वो पढ़ के हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऑन क्या होता है, एग्जैक्टली अबो क्या होता है, टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, अंडर क्या होता है, बिलो क्या होता है। तो पहला सेंटेंस है द फादर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। क्या है, फादर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल यानी कि पापा जो है वो टेबल पर खड़े हैं। स्टैंडिंग ऑन द टेबल यानी कि किसी चीज़ पर हो, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर हो आप लोग, तो वो क्या आएगा, ऑन आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, ऑन आया। क्यों आया वो पता चला, किसी सतह के ऊपर आप लोग हो तो क्या आएगा, ऑन आएगा। दूसरा क्या है, द फ्लावर पॉट इज ऑन द कपबोर्ड यानी कि यहाँ पर हमें जो कपबोर्ड दिखाई दे रहा है उस कपबोर्ड के ऊपर तो क्या आएगा, ऑन। के ऊपर तो क्या आएगा, ऑन, यानी कि द फ्लावर पॉट इज ऑन द कपबोर्ड यानी कि जो फ्लावर पॉट है वो कपबोर्ड के ऊपर है। बाद में क्या है, द फैन इज अबोव द टेबल यानी कि यहाँ पर हमें जो फैन दिखाई दे रहा है वो ये जो टेबल है उसके ऊपर है। उसके ऊपर तो क्या आएगा, अबो। उसके ऊपर तो क्या आएगा, अबो, यानी कि जो फैन है वो टेबल से यानी कि टेबल के ऊपर है। उसके ऊपर तो क्या आएगा, अबो। यहाँ पर क्या है,
टेबल के ऊपर है फैन, लेकिन टेबल्स के एग्जैक्ट टच करके ऊपर नहीं है, टेबल के और फैन के बीच में बहुत सारी जगह है और उसके ऊपर फैन है, तो क्या आएगा? अबो। बाद में क्या है? चिल्ड्रन आर सिटिंग बिलो द सीलिंग, यानी कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो सीलिंग, सीलिंग यानी कि क्या, जो दीवार होती है, छत होती है हमारी, उसे हम लोग बोलते हैं सीलिंग, यानी कि बच्चे सीलिंग के बिलो, बिलो यानी कि नीचे, सीलिंग के नीचे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीलिंग है वो सीलिंग बच्चों को टच नहीं कर रही है, तो क्या आया हमारा? बिलो। बाद में क्या है? द माउस इज अंडर द टेबल, यानी कि जो माउस है वो टेबल के नीचे है, के नीचे है। बाद में क्या है? द फादर एंड चिल्ड्रन आर बिलो द फैन, यानी कि ये जो बच्चे हैं और जो फादर है वो सारे फैन के नीचे है, फैन के नीचे है, बिलो द फैन। लेकिन यहाँ पर फैन बच्चों को और फादर को टच नहीं कर रहा है, तो क्या आया? बिलो द फैन। है अ बाउल फुल ऑफ मार्बल्स इज ऑन द टेबल, यानी कि हमें यहाँ पर पिक्चर में ये जो बाउल है वो ये टेबल के ऊपर है, यानी कि ऑन द टेबल। क्या आया? ऑन द टेबल। बाद में है द बल्ब इज अबोव द कैट, यानी कि हमें यहाँ पर ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है वो कैट के ऊपर है, लेकिन कैसे ऊपर है, टच नहीं किया हुआ है वैसे ऊपर है, तो क्या आया? अबो। द टॉयज आर बिलो द सीलिंग, क्या आया फिर से? बिलो, बिलो यानी कि नीचे, जो टॉयज है यहाँ पर सारे, वो टॉयज यहाँ पर जो सीलिंग होगी घर की उसके नीचे है, लेकिन टच कर कर नहीं है। तो आई होप आपको ऑन, अबो, बिलो, अंडर का मतलब समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।